हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस बार जो एग्जाम देंगे कितने प्रतिशत छात्र देंगे और कट ऑफ क्या रह सकती है, जिससे आपको डर लग रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ये आपका डाउट क्लियर होगा इसमें। और किस कंपनी के पास टेंडर गया है, कौन सी कंपनी ये एग्जाम कराने वाली है और नॉर्मलाइज में आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, तो ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही जरूरी है। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट के बारे में बता रहा हूं, जो आपको जोन वाइज रैंकिंग देगी। जब आप टेस्ट दोगे और आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है, आप उस जोन का कट ऑफ मार्क देख सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है mockstree.com। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए 300 प्लस टेस्ट अवेलेबल हैं और सभी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। इसमें आपको फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट और चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं और सेक्शनल टेस्ट मौजूद हैं, और इसे आप मोबाइल और टैबलेट दोनों पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ये मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि इस मॉक टेस्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैंने खुद चेक किया है, इसके बाद ही मैं आपको ये मॉक टेस्ट बता रहा हूँ। इसमें आपको एक टेस्ट फ्री रहेगा, इसके बाद आप इसका पेड वाला कोर्स ले सकते हैं जो आपको 299 रुपए में मिलेगा। लेकिन जब आप कूपन कोड OMBEER30 यानी कि OMBEER30 का यूज करते हो तो आपको 30% यानी कि 30% का ऑफ मिलेगा और 299 वाला कोर्स आपको 209 रुपए में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के परचेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कितने प्रतिशत छात्र ग्रुप डी का एग्जाम देंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप डी का एग्जाम देंगे ये देंगे 55 से लेकर के 60% छात्र। देखिए, इससे ज्यादा छात्र प्रेजेंट नहीं होने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम में, केवल ज्यादा से ज्यादा 60% छात्र ही प्रेजेंट होंगे या तो फिर इससे कम रहेंगे। देखिए, इसका कारण यह है, एक तो देखिए वैकेंसी को निकले हुए 3.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो जो कुछ स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं सेटल हो गए हैं। देखिए, एक कारण ये भी है कि जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा वो आपके घर से लगभग 500 से 700 किलोमीटर की दूरी पर होगा, तो कुछ लड़के जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो कहेंगे कि हमने तो तैयारी नहीं की है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो लड़के भी एग्जाम देने नहीं जाएंगे। तो इस हिसाब से देखिए, जो प्रेजेंट रहने वाले हैं लगभग 60% छात्र प्रेजेंट रहने वाले हैं, तो देखिए आपका आधा कंपटीशन तो यहीं खत्म हो जाता है। तो फिर डरने की बात ही क्या, जो कंपटीशन था आधा कंपटीशन आपको प्रेजेंट ने ही खत्म कर दिया, जो एब्सेंट रहेंगे वो आपका आधा कंपटीशन खत्म करा देंगे, तो आपको तो अब डरने की कोई बात ही नहीं है। तो आधे स्टूडेंटों से अब आपका कंपटीशन रहेगा, आधे छात्रों से आपका कंपटीशन रहेगा, तो आपको थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। जब थोड़ी सी तैयारी कर लोगे तो फिर आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। देखिए, डरो मत, कट ऑफ कम जाएगा। देखिए, डर कौन रहे हैं, डर वो छात्र हैं जिनके अभी मॉक टेस्ट में 40-45 नंबर आ रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि अगर 75 कट ऑफ जाएगा, 70 जाएगा, तो मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। देखिए, अभी आपके पास इतना समय है कि आप अगर अच्छी से तैयारी करते हैं और अच्छे से रिविजन करते हैं तो आप भी उस स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मली कट ऑफ है आपको पता ही है कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो कट ऑफ देखिए हाईएस्ट जनरल वालों की 70 जाएगी किसी भी डेंजर जोन से, तो डेंजर जोन से 70 जाएगी यानी कि, और कोई लो जोन होगा तो वहां 65-68 ऐसी कट ऑफ जाने वाले जनरल वालों की। ओबीसी की 65 के आसपास रहेगी, वहीं एससी की जो कट ऑफ रहेगी 58-60 के आसपास रहने वाली है, वहीं एसटी वालों की 52-54 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। तो देखिए, इतनी कट ऑफ तो रहनी रहनी है, इससे ज्यादा कम क्या कट ऑफ रहेगी। तो अगर आप इतना स्कोर कर पाते हैं, किसी भी तरह से तैयारी कर लेते हैं और यहाँ तक आप पहुँचते हैं, तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, डर कब लगेगा, जब आप पढ़ोगे नहीं और सोचोगे कि एग्जाम दे आएंगे और सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे नहीं, अब तो कम से कम आपको एक महीना तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, कुछ आपको पूरी जिंदगी संभालनी है, अपनी जिंदगी में खुशियाँ लानी है, तो एक महीने मेहनत करने में क्या जा रहा है, तो एक महीने मेहनत कर लीजिए, रात दिन पढ़ लीजिए, जिससे कि आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। तो देखिए, अब डरने की बात नहीं है, जिसे सिलेक्शन लेना है वो तो दिल खोल के कह रहा है कि मैं तो तैयारी करूंगा, कितना भी हो 60 कट ऑफ आएगी तो मैं 65 की तैयारी करके चलूंगा। तो इस तरह से आपकी सोच होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप पहले से ही डर जाओगे तो फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। देखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है और मोटिवेट रहना भी बहुत जरूरी है। देखिए, जब दो टीमों के बीच मैच होता है और पहले वाली टीम ज्यादा स्कोर कर जाती है, दूसरी वाली टीम यह सोच के हार मान लेगी कि यार स्कोर बहुत हो गया, अब हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए, जब तक दूसरी वाली टीम के अंदर हौसला नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि नहीं हम कर सकते हैं,
जब वो ये सोच लेंगे ना हम कर सकते हैं, वो उस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। आपको भी पता है कि दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 434 रन का लक्ष्य चेंज कर दिया था। वो क्यों कर दिया था? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंट था कि हम कर सकते हैं, नहीं तो वैसी और कोई टीम होती तो ऑस्ट्रेलिया के सामने 434 रन का लक्ष्य देख करके वो पीछा ही नहीं करते, 200-150 तक पूरी ऑल टीम आउट हो जाती। तो वही आपका हिसाब है। देखिए कट ऑफ चाहे कितना भी चला जाए, जब आप अपने मन में ठान लेंगे कि मुझे इस बार नौकरी लेनी है तो फिर आप उसको हासिल कर लेंगे। और जब आप यही सोचेंगे यार कट ऑफ तो 70 जाएगा, कैसे करूं मेरे 40-45 आ रहे हैं, तो वहां दिक्कत हो जाएगी। सबसे मेन चीज है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाओ कि मैं कर लूंगा, बस उसी हिसाब से आप पढ़ते जाओ। फिर एग्जाम पे छोड़ दो कि एग्जाम कैसा आता कैसा नहीं आता, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने दिल से मेहनत की तो। तो ये चीज है कि आपको कॉन्फिडेंट लाना होगा। इसके बाद में देखिए कौन सी कंपनी करा रही है एग्जाम, आप सभी को बताए। देखिए ये क्लियर हो चुका है लेकिन किसी भी वेबसाइट पर ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इधर उधर से खबर आ रही है। तो मुझे भी इसी तरह से एक न्यूज मिली है कि जो आपका एग्जाम है, और आप सभी को बताइए, वैसे भी 100% ये क्लियर ही है कि जो आपका एग्जाम TCS ही लेगी। देखिए आपको पता है कि ग्रुप डी का एग्जाम बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत बड़ा एग्जाम है, तो छोटी मोटी कंपनी के लिए तो ये टेंडर नहीं मिल सकता। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि TCS को ही इसका टेंडर मिला होगा। देखिए टेंडर इसका मिल चुका है और टेंडर जो मिला है TCS के लिए ही मिला है, आप 100% कंफर्म कर सकते हैं। जब TCS के लिए टेंडर मिला है तो आपको प्रीवियस ईयर की भी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। एग्जाम पैटर्न पता चलेगा आपको, वहीं से पता चलेगा कि TCS किस लेवल के एग्जाम लेती है। इसके बाद में देखिए इस बार मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस बार नॉर्मलाइजेशन में आपके ज्यादा नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। पिछली बार जैसे बढ़े थे 30-40-40 नंबर तक बढ़े थे बहुत से लड़कों के, तो इस बार देखिए जो नंबर बढ़ेंगे आपके हाईएस्ट देखिए 5 से लेकर 10 नंबर तक के बीच ही आपके बढ़ने वाले हैं। ये नहीं है कि आपके नंबर 20 बढ़ जाए 30 बढ़ जाए। तो आप नॉर्मलाइजेशन पर ज्यादा डिपेंड रहना है, आप डिपेंड रहे कि मुझे कितने क्वेश्चन करके आने हैं। तो 10 के आसपास आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं, ज्यादा की उम्मीद भी ना करें। ये कोशिश करें कि मेरे 60 या 65 क्वेश्चन लगाएं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन तो बाद में छोड़ दीजिए, जब किस्मत आपकी साथ होगी, जब 2-4 नंबर से आप रह रहे होंगे तो वहां आपका नॉर्मलाइजेशन काम कर जाएगा। तो पहले आप अपने बल पर कोशिश कीजिए कि मैं अपने बल पर ही जॉब लूंगा। तो देखिए मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए आप अपनी, तो देखिए अंतिम दिनों में आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप कट ऑफ के चक्कर में रहेंगे, कॉन्फिडेंट लो करेंगे, तो फिर आपकी तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो अपना कॉन्फिडेंट हाई रखिए और इस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए, आपको इस बार जॉब जरूर मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।